जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले का असर आगरा में दिख रहा है। आगरा में हिंदूवादी नेताओं में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। आगरा के जिला मुख्यालय में हम खड़े हुए हैं और जिला मुख्यालय के सामने जिला मुख्यालय के दरवाजे पर आतंकवाद का पुतला हिंदूवादी संगठन द्वारा फूंका गया है। आतंकवाद के खिलाफ जोर शोर से प्रदर्शन किया गया है। जिस तरह से श्रद्धालुओं की बस पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला किया गया और निहत्ते और श्रद्धालुओं को जो वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए जा रहे थे उनकी निर्मम हत्या की गई, कई लोग घायल है, गंभीर घायल है। ये देश पर एक आतंकवाद की गंभीर चोट है। जिस तरह से कायरता पूर्वक आतंकवादियों ने हमला किया और लोगों को अजय मुहम्मद द्वारा, ये बहुत ही दुखद घटना है और कायरता पूर्वक है। हिंदू आदि संगठन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जान लेते हैं। संजय जी, जिस तरह से लगातार किस तरह चल रहा है, देखिए यही फर्क है सनातन धर्म की जीत में और विधर्मियों की जीत में। जहाँ सनातन धर्म जीत कर लड्डू गोपाल को लड्डू गणेश को लड्डू बांट रहे मिठाई बांट रहे हैं, वो विधर्मियों द्वारा इंडिया की जीत का ये पहला रुझान आया है। जिस तरीके से इन्होंने नरसंहार किया है, पितरा माता वैष्णो देवी बस पर गोलीबारी की गई है, हम नरेंद्र मोदी जी मांग करते हैं ऐसे रुझान देश के कई हिस्सों में आने वाले हैं। इन रुझानों को रोकने के लिए इन सपोलों का सिर को चलना बहुत जरूरी है और इंडिया इंडिया जो जीती है इनसे यही अपेक्षा की जाती है कि ऐसे में आते आतंकवादी हमला करके देश का माहौल खराब करेंगे। चलिए अब साथों से ये कहना चाह रहे, जो विपक्ष को जो भारत मिली है, जो आगे सीटें मिली है, उसका परिणाम ये नहीं है। अरे प्रणाम में तो पुतला फूका ना, हम इंदिरा राहुल गांधी से मांग करते हैं, सोनिया गांधी से मांग करते हैं, अखिलेश यादव से मांग करते हैं, इस घटना का विरोध करिए और अपनी टपरी पार्टी के सदस्यों से लोग जाकर पुतला फूके। ये हिंदूवादी देश सनातन भी जानना चाहता है कि आप माता वैष्णो देवी कटरा पर जो नरसंहार हुआ है आप कितने से विरोध में है। अगर आप विरोध में नहीं है तो आप पुतला नहीं फूकेंगे और आप विरोध में है तो समाजवादी पार्टी से कहिए पुतले फूके चाहिए सभी मतलब जिला मुख्यालय पर। आप किस तरह की मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जो जीते हैं ये भाषण में राम भक्तों की जीत है, असुरों के बीच में राम भक्तों की जीत है और राम भक्तों के मुंह पर एक करारा तमाशा हमारा किया गया है। हम मोदी से मांग करते हैं ऐसी घटनाओं पर ऐसे का एनकाउंटर किया जाए। देखो जिस तरीके से यात्रियों की हत्या की गई है, जिस तरीके से गोली चलाई गई है, जिस तरीके से मतलब इनको जिस तरीके से मतलब उनको हत्या की गई है, सभा का हाथ नहीं है तो सभा के लोग लगातार हिंदूवादी संगठन का आक्रोश आगरा में नजर आ रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया, लोगों की जान गई, लोग घायल हुए, उसका विरोध का असर आगरा के जिला मुख्यालय गेट पर नजर आ रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो हिंदू संगठन है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।